दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक मिनट में 1 किलो से भी ज़्यादा लहसुन कैसे छीला जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ लहसुन की कलियाँ चाहिए, उसे इस तरह से तोड़ लीजिए। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल के लिए थोड़ा सा ले रही हूँ, आप जितना चाहें उतना छील सकते हैं। तो एक खाली प्लेट में मैंने इस सारे लहसुन को डाल दिया है। उसके बाद हाथ में कुछ ड्रॉप्स ऑयल के लीजिए, कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, और उसे अपने हाथों से सारे लहसुन को उसे मलिए, मतलब मैश कीजिए। जितने फटाफट और जितने ताकत लगाकर आप लहसुन को इस तरह से मैश करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका लहसुन निकलेगा। देखिए आप पहले कैसा था लहसुन, और अब देखिए कितने इसमें से पील हो चुके हैं। मतलब हाथ में जब आप उसे घिसेंगे लहसुन को, तभी ही सारे लहसुन पील ऑफ हो जाएंगे। तो इसी तरह से घिसते रहिए, फिर आप देखते रहिए इस लाइव वीडियो में कि कैसे सारे लहसुन अपने आप पील ऑफ हो जाते हैं। मतलब इसके सारे जो भी कचरे हैं, देखिए कैसे बाहर निकल रहे हैं। मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप ये ट्रिक अपनाते हैं। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेके लहसुन को मसलिए, तो देखिए सारे कचरे बाहर हो गए हैं। ये पहले की ट्रिक थी दोस्तों, मम्मी वगैरह अपनाती थी इसे, क्योंकि पहले के लोग अचार वगैरह जब भी बनाते थे तो लहसुन ज़्यादा मात्रा में लगता था, तो उसे किस तरह से निकाला जाए वो यही ट्रिक अपनाते थे। तो ये ट्रिक मेरी मॉम की है, वो जब भी अचार वगैरह बनाती हैं या फिर आपको पेस्ट रखना है संभाल के, भाजी वगैरह के लिए फ्रिज में रखना है, तो आप इस तरह से ऑयल लीजिए और सारे बड़े बड़े, ये छोटे छोटे थे इसलिए थोड़ा टाइम लगा, अगर आप बड़े बड़े लहसुन को इस तरह से करेंगे तो फटाफट वो पील ऑफ हो जाएगा। तो ये ट्रिक दोस्तों अगर आप अपना के देखेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप बाकी काम भी कर सकते हैं। सो अभी मैं सारे लहसुन को देखिए अलग अलग कर ले रही हूँ, मुझे ज़्यादा छीलना ही नहीं पड़ा इसे, और कचरा देखिए साइड हो गया और मेरे सारे लहसुन बाहर आ गए, मतलब पील ऑफ अच्छी तरह से हो गया। तो आप भी इस ट्रिक को अपनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।